ओके गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने एक एनिमी की स्क्रिप्ट बनाई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एनिमी जो है उसका जो हेल्थ है, हेल्थ हमने 50 यहां पर दिया है उसे। एंड आप देख सकते हैं यहां पर एनिमी जो है इसे हम जैसे ही मारते हैं तो ये जो हेल्थ है गाइस ये वो कम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर हेल्थ जो है वो 40 हो चुका है। एंड जैसे कि हम इसे पूरा ख़त्म करते हैं, जैसे कि 30, 20, 10 एंड डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पर एनिमी जो है वो मर चुका है गाइस। यहाँ पर आप कह सकते हो उसका गेम ओवर हो चुका है। एंड हमारा जो गन का फायरिंग रेट है, मैं क्लिक दबा कर रखता हूँ तो गाइस थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, तो हमने ऐसे ही किया है गाइस यहाँ पर कोड। सो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि ये कैसे करता है, कैसे करते हैं गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिए, कुछ भी मिस मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखते हैं गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम एक एनिमी को मटेरियल देंगे गाइस। तो ये वाला है, इसे हम एक रेड कलर का मटेरियल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मटेरियल्स, क्रिएट मटेरियल एंड वी कैन से दिस एंड वी कैन से अ नेम एनिमी। ओके, सो एनिमी का जो कलर है वो रेड रखेंगे गाइस। तो देखते हैं, एंड हम इसे रेड कलर असाइन कर देंगे। ये देखिए गाइस, अब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आप देख सकते हैं ये वाला जो है वो रेड कलर का हो चुका है। सो हमें पता चल जाएगा गाइस कि ये एनिमी है, इसे मारना है। एंड इसे मारेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसे मारेंगे तो सब कुछ हम इसके ऊपर स्क्रिप्ट लगा देंगे गाइस। सो क्यूब वन है, क्यूब वन के ऊपर मैं ऐड कंपोनेंट करता हूँ एंड एनिमी की स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, एनिमी नया वाला क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर एक नई स्क्रिप्ट बन चुकी है, आप देख सकते हैं। ओके, सो मैं बस इसे हमारे स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन। सो एनिमी की स्क्रिप्ट ओपन करते हैं। तो एनिमी की स्क्रिप्ट जैसे ही ओपन करेंगे गाइस पूरा ब्लैंक पेज आ जाएगा आपको। ओके, सो ये बहुत लोड ले रहा है। ओके, सो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हम एनिमी का पूरा जो लॉजिक है वो लगा सकते हैं। सो एनिमी को क्या रहता है गाइस, सबसे पहले एनिमी की हेल्थ रहती है। सो हम हेल्थ देंगे पब्लिक फ्लोट हेल्थ इक्वल्स 50f। ओके, सो यहाँ पर 50 हो चुका है गाइस। सो 50 होने के बाद में हम यहाँ पर इसे एक डैमेज दे देंगे या फिर गेट डैमेज वी कैन से। सो वॉइड गेट डैमेज। ओके, सो गेट डैमेज के स्क्रिप्ट में हम यहाँ पर हमारा डैमेज का कोड लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे गाइज, मैं आपको बस बता देता हूँ। फ्लोट वी कैन से डैमेज, हम यहाँ पर नाम देंगे गाइज, कुछ भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पर, बस उसे यहाँ पर यूज करना है। तो उसके लिए गाइज यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हेल्थ माइनस इक्वल्स डैमेज। ओके, तो इससे होता क्या है गाइस कि जो जिस भी स्क्रिप्ट के ऊपर आप कह सकते हैं कोई भी एनिमी के ऊपर अगर कोई भी गन से हमने मारा तो उस गन का डैमेज इसके हेल्थ को लग जाएगा गाइस अपने आप में। ये बहुत ही इजी स्टेप था, इजी कोड था। और यहाँ पर हमें एक और चेक लगाना पड़ेगा ताकि हमें पता चलेगा इसकी ये डैमेज माइनस में नहीं जा रहा है, हेल्थ उसकी माइनस में नहीं जानी चाहिए। जैसे ही हेल्थ ओके, अगर एनिमी की हेल्थ जो है वो लेस होती है, लेस देन और इक्वल टू जीरो, ओके, सो वी कैन राइट एनीथिंग, वी कैन राइट अ कोड इन हियर, हेल्थ इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, सेन वी कैन से दिस और डिस्ट्रॉय वी कैन से दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ओके, सो डिस्ट्रॉय दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट से अभी ये क्या होगा गाइस, अगर हेल्थ लेस देन और इक्वल टू जीरो है, ओके, सो ये जो गेम ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा गाइस। तो बस इतना ही था कोड, सिंपल कोड था एनिमी स्क्रिप्ट के लिए। एंड अभी जो है गाइस गन स्क्रिप्ट में उसे कॉल करना है। तो गन स्क्रिप्ट में हम कॉल कैसे दे सकते हैं मैं आप पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर रिजिड बॉडी को एड फोर्स दिया हमने, फोर्स भी अप्लाई करते हैं। तो गाइज हम यहाँ पर एक रेफरेंस लेंगे एनिमी का, एनिमी आप वही नाम रखिए जो स्क्रिप्ट का नाम है, क्योंकि ये क्लास से हम कॉल कर रहे हैं तो ये एनिमी। सो एनिमी का क्लास है, हम इसे एक रेफरेंस दे देंगे एनिमी इक्वल्स वी कैन से हिट। अभी कौन से स्क्रिप्ट के ऊपर हमें ये फाइंड करना है, सो वी कैन से हिट
डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट। मैं बता देता हूँ बस आपको क्या होता है इससे एनिमी। ओके सो हमने क्या किया गाइज, जो भी हिट मतलब अगर ये हिट लगा तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा तो उसका जो कंपोनेंट है एनिमी कंपोनेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमी हमने सिर्फ ये क्यूब वन को दिया है राइट। सो क्यूब वन को एनिमी अगर है तो ही ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सो क्यूब टू को आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई नहीं है। सो क्यूब वन को यहाँ पर एनिमी स्क्रिप्ट है, तो एनिमी स्क्रिप्ट जिसके भी ऊपर है उसकी जो हेल्थ है वो कम होनी चाहिए राइट। सो यहाँ पर हम देंगे एनिमी, या फिर हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ एनिमी इज नॉट इक्वल टू नल, अगर एनिमी नल नहीं है, नल मतलब नथिंग, सो नल मतलब कुछ भी नहीं, अगर एनिमी नहीं है तो कुछ भी मत करो, अगर एनिमी नल नहीं है तो, अगर एनिमी नहीं है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, हम यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, सो एनिमी डॉट वी कैन से गेट डैमेज। ओके सो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा गाइस गेट डैमेज, आप ही बताओ मुझे, क्योंकि गाइस हमने यहाँ पर एनिमी की जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर सिर्फ वॉइड दिया है, यहाँ पर पब्लिक नहीं किया है, तो अगर पब्लिक नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट ले लेगा उसे। ओके सो प्राइवेट लेगा एंड हम इसे कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं अभी गेट डैमेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट डैमेज आ चुका है, एंड गेट डैमेज एंड ब्रैकेट में हम यहाँ पर पास करेंगे डैमेज, एंड ये डैमेज वो वाला डैमेज है गाइस जो गन के ऊपर का डैमेज है। ओके सो मैं बस इस पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डैमेज है गन के स्क्रिप्ट का, गन स्क्रिप्ट के ऊपर जो डैमेज है 10, सो 10 का डैमेज यहाँ पर पास करूँगा, और पास करने के बाद में गाइस क्या होगा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ गेट डैमेज, यहाँ पर 10 पास होगा, तो हेल्थ माइनस इक्वल्स डैमेज, तो हेल्थ 50 है, तो ये डैमेज जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हेल्थ हो जाएगी 40, एंड अगर हेल्थ लेस है तो डिस्ट्रॉय दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइज ट्राई करते हैं क्या होगा, देखते हैं गाइज। सबसे पहले यहाँ पर सेव करूंगा मैं एंड प्ले। ओके सो प्ले करने के बाद में गाइज सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पर है। ओके क्यूब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 है इसकी हेल्थ, एंड अभी मैं इसको शूट करूंगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। ओके सो इस पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। ओके सो हम कहाँ पर है रेड। ओके सो इसे हम डैमेज करने की कोशिश करेंगे, तो सो वन आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 हो चुका है हमारा, एंड जो 2 30, 20, 10 एंड 0। सो 0 होने के बाद में ये डिस्ट्रॉय हो गया गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 बार हमने किया क्यूब को। सो हम बस इसे नाम दे देंगे अच्छे से एनिमी। सो एनिमी नाम देने पर आपको भी पता चल जाएगा कि गाइज ये एनिमी है, एंड हमारे गन की स्क्रिप्ट में गाइज वो एनिमी हमेशा दिखाई देगा। सो फिर से एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। कहाँ पर गया। ओके सो ये एनिमी है गाइज हमारा, एंड मैं यहाँ पर शूट करता हूँ, ये देखिए 1 मैंने एनिमी को टच किया, यहाँ पर 40, एंड मैं क्लियर कर देता हूँ, तो 40 अब पहले से ही हो चुका है, एक बार टच हो चुका है हमारे एनिमी को। सो सेकेंड टाइम टच 2, 30, 20, 10 एंड 0। सो जैसे ही गन की स्क्रिप्ट उससे इनेबल हो जाती है गाइज हम यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एनिमी की जो स्क्रिप्ट है वो काम तो कर रही है, हम यहाँ पर एक फायर रेट भी दे सकते हैं। ओके सो फायर रेट देने के लिए मैं आपको बस यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बता देता हूँ, लाइन बता देता हूँ, एक बहुत ही इजी लाइन है गाइज जिससे हम गन का जो फायर रेट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको डाउन बस निकालना है, एंड यहाँ पर एक लेना है पब्लिक फ्लोट वी कैन से फायर रेट इक्वल्स टू, हमें एक फायर रेट रखना है, सो 10F लगते हैं गाइस, इस गन का फायर रेट है 10F,
एंड हम एक प्राइवेट टाइम भी ले सकते हैं, हमें एक टाइम भी लेना पड़ेगा कितने टाइम के बाद में फिर से हमारा जो गन की बुलेट है वो ऑटोमेटिक हो सकती है। तो ऑटोमेटिक गन अगर बनानी है तो गाइज ये हम कर सकते हैं। सो पब्लिक और वी कैन से प्राइवेट, प्राइवेट फ्लोट नेक्स्ट, और वी कैन से नेक्स्ट बुलेट। ओके सो इक्वल्स टू हम इसे जीरो कर देंगे गाइस, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर नेक्स्ट बुलेट को लाना है। एंड आफ्टर फायर रेट इज दिस, सो फायर रेट क्या रहता है गाइस, जो टाइम चल रहा है उससे प्लस वन वन सेकेंड, एंड उसको डिवाइड करेंगे हम फायर रेट से। ओके सो मैं आपको बस यहाँ पर स्क्रिप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर एंड एंड तो इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन जो है, अगर फायर वन दबाया एंड एंड टाइम डॉट टाइम। ओके सो टाइम डॉट टाइम क्या देता है गाइज, करंट टाइम देता है हमारा टाइम डॉट टाइम। सो करंट टाइम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नेक्स्ट बुलेट। अगर टाइम डॉट टाइम नेक्स्ट बुलेट है यानी कि जीरो, सो अगर जीरो है या फिर उससे ग्रेटर है। ओके सो हम यहाँ पर गाइज सेट कर सकते हैं नेक्स्ट बुलेट इक्वल्स टू ऑलवेज, ये तो स्टार्ट में हमेशा जीरो ही रहेगा, सो टाइम डॉट टाइम हमेशा ग्रेटर ही रहेगा तो ही इसके अंदर जाएगा। नेक्स्ट बुलेट इक्वल्स वी कैन से टाइम डॉट टाइम, टाइम डॉट टाइम प्लस वी कैन से वन डिवाइडेड बाय वन एफ डिवाइडेड बाय फायर रेट। ओके सो फायर रेट हमारा यहाँ पर फिक्स हो चुका है, मैं यहाँ पर बस बता देता हूँ कि क्या होगा। तो टाइम हमेशा वन प्लस सॉरी टाइम प्लस वन एफ डिवाइडेड बाय फायर रेट। सो अगर हम कह सकते हैं कि एक सेकेंड में हम यहाँ पर फायर रेट जो है वो 10, सो ये हो जाएगा 0.1। तो एक सेकेंड में हम गाइज जो है वो 10 बुलेट्स फायर कर सकते हैं। तो ये जितना कम होगा गाइस उतना आपका जो शॉट गन एंड ऑल है इसके लिए हमें 1, 2 या 3 रखना पड़ेगा। एंड जो ऑटोमेटिक SMGs है उसके लिए गाइस हमें 15 से 20 रखना पड़ेगा। तो जितना फास्ट आपको चाहिए उतना नंबर ये बड़ा होना चाहिए, जितना छोटा नंबर गाइस उतना स्लो फायर रेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी क्लिक दबा कर रखता हूँ एंड देखते हैं हम कितने टाइम में इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके सो कितने टाइम में हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये देखेंगे गाइस। तो यहाँ पर हम प्ले कर देते हैं। ओके सो ओके तो यहाँ पर मैं आपको एक क्लिक दबा कर रखता हूँ, 1, 2, 3 गो। तो यहाँ पर हमारी ऑटो गन हो चुकी है गाइस चालू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो फुल्ली ऑटोमेटिक है, मैं क्लिक अभी तक छोड़ा नहीं है मैंने। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फोर्स भी बैठ रहा है इसे एंड पूरी ऑटोमेटिक गन हो चुकी है गाइस। तो अगर आपको वीडियो गाइस पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। टिल देन मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, अगले ट्यूटोरियल में हम एनिमीज बनाएंगे गाइस एंड इसे रिलोड टाइम UI कैसे देना है, यहाँ पर मैप कैसे देना है गाइस, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हर 12 बुलेट्स के बाद में अपने आप ही गन रिलोड होना चाहिए, गन का एनिमेशन एंड एवरीथिंग मैं आपको बता दूंगा। एंड यहाँ पर कैसे फायर आता है गन को यहाँ पर फायर आएगा और एल्स वी कैन से मजल फ्लैश होगा यहाँ पर। तो बहुत कुछ गाइज हम इस गेम में करने वाले हैं एंड मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए गाइज एंड सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए बंदे हैं। तो जीरो कुल साइनिंग ऑफ।